वो काम नहीं, मट्टी लगी तो है और लगी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, एक सूचना मिली है, मुखबिर द्वारा बताया गया है कि गांव में एक व्यक्ति ने गांजे के पेड़ लगा रखे हैं, जहां से वो गांजा बेचता है वहीं पेड़ों से सुखा के और उसके बाद छोटे छोटे पैकेट बना के और वो बेचता है। तो देखते हैं, हमारी पूरी टीम हमारे साथ में है, तो हम ये जा रहे हैं रास्ते में, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, जंगल में नदी के किनारे गांव है, तो वहीं हम पहुँच रहे हैं। ये जो रास्ता है ये सीधा वहीं जाता है गांव के लिए, ये पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये इन्होंने ये पेड़ हैं वो पूरे ढक रखे हैं कपड़े से, जिससे कि आसपास में किसी मोहल्ले वाले को दिखाई ना दे कि इसमें क्या है, क्योंकि अगर दिखाई देगा तो लोग सूचना दे देंगे पुलिस को, इस वजह से इन्हें ढाक के रखे हुए हैं पेड़। उखाड़ के फिर पुलिस इन्हें जब्त करेगी। तो रोगा जी साथ में देख रहे हैं, पूरी कार्रवाई करवा रहे हैं, ये पेड़ों को उखाड़ के उसके बाद जब्त किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये गांजे की खेती ही मान लो एक तरह से ये लगा के रखा है इनने बेचने के लिए, काफ़ी समय से लगे थे पेड़, ये सूचना बड़ी मुश्किल से मिल पाती है पुलिस को, तो सूचना मिली है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। आल तो मैंने जो खाज बदल ली, और ये पुलिस टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, ये पेड़ों को यहाँ से अभी उखाड़ा जाएगा, उसके बाद जब्त किया जाएगा। थाने से भी टीम को बुला लिया है, दरोगा जी भी आ गए हैं अपनी पूरी टीम को लेके, तो अभी कार्रवाई चल रही है। ये जो आप पैकेट देख रहे हैं, जो ज्यादा जरा नहीं है, उसमें अभी सूखा हुआ गांजा रखा है, जो ये सुखा रहे थे यहाँ पे, तो वो भी जब्त कर लिया गया है। दूसरा आप देख रहे हैं कैसा इनने बना के रखा है, बिल्कुल जैसे किसी को पता ना चले कि क्या है अंदर क्या नहीं है, तो इस तरह से चार पांच पेड़ इन्हें लगा रखे हैं जहाँ से सुखा के और बेचते थे। ये बिल्कुल जंगल में है गांव, अब देख पा रहे होंगे आसपास में पूरा जंगल है नदी के किनारे, ये सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे है ये गांव, और ये आप देख रहे होंगे, ये चलो कार्रवाई शुरू हो गई है जी पेड़ों को उखाड़ने के लिए, हमारे साथ ही हैं ये फावड़े से पेड़ को उखाड़ने के लिए खोद रहे हैं, और जो लोग खड़ गए इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, आसानी से खुल जा रहा है। तो मैंने बताई है ना, कहूं तो मैंने पेड़ उखाड़ेंगे, बताई तुमने, मुझे बताओ आराम से, नहीं बताई ना, हैं कहूं बता देते तो ठीक रहते। Okay.